चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नूं लै के जा रहा हैलीकॉप्टर तमिलनाडु के कनूर नेड़े हादसाग्रस्त हो गया। भारतीय हवाई फौज ने ट्वीट करके जानकारी दी कि जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलेखा रावत और जहाज में सवार 11 होर व्यक्तियों की इस मंदभागी दुर्घटना में मौत हो गई है। सारे पासे सोग की लहर है। बिपिन रावत की मौत मगरों प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सने राहुल गांधी तो इलावा सियासी पार्टियां दे लीडरां दे नाल नाल हर खेतर दे लोकां ने दुख का प्रगटावा किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख प्रगटाते हुए कहा, मैं जनरल बिपिन रावत और उन्हां दी पत्नी मधुलेखा जी के विवक्ते देहांत ते सदमे विच हां अते दुखी हाँ। देश ने अपना एक बहादुर पुत गवा दिता है। मात भूमि लई उसकी चार दहाकियां दी निरस्वार्थ सेवा बेमिसाल बहादुरी दर्शाउंदी है। उसके परिवार नाल मेरी संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे ते दुख जाहिर करदे कहा, मैं तमिलनाडु विच होए हैलीकॉप्टर हादसे तो बहुत दुखी हाँ, जिस विच असी जनरल बिपिन रावत, उन्हां दी पत्नी अते हथियारबंद बलों के होर जवानों नूं गवा दिता है। उन्होंने पूरी लगन नाल भारत की सेवा की। मेरे विचार दुखी परिवारों के नाल ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा, तमिलनाडु विच अज एक बहुत ही मंदभागी हैलीकॉप्टर हादसे विच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उन्हां दी पत्नी अते 11 होर हथियारबंद बलों के जवानों की अचानक मौत तो बहुत दुखी हाँ। उन्हां दी बेवक्ति मौत साडियां हथियारबंद सेनावां ते देश लई ना पूरा होने वाला घट है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राष्ट्र लई एक बहुत ही दुखदाई दिन है क्योंकि असी अपने CDS जनरल बिपिन रावत जी ने एक बहुत ही दुखदाई हादसे में गुआ दिता है। वह बहादुर सिपाहियों में एक सन जिन्होंने मात भूमि की पूरी तनदेही सेवा की। उसके मिसाली योगदान और वचनबद्धता शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं बहुत दुखी हाँ। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मैं जनरल बिपिन रावत और उन्होंने पत्नी के देहांत मगरों परिवार प्रति संवेदना प्रकट करदा। एक दुखांत है और सौखे समय में साडे विचार उन्होंने परिवार नाल ने। अपनी जान गवाउण वाले बाकी सारे लोगों नाल भी दिली हमदर्दी। भारत इस दुख में एक मुठ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल बिपिन रावत की मौत उत्ते दुख जताया। उन्होंने इसे कदे ना पूरा होने वाला घाटा दसिया। हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से, उनकी मृत्यु का जैसे ही संदेश मिला है, सारे उत्तराखंडवासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। बीजेपी, कांग्रेस ने तमाम पार्टियों के लीडर ने जनरल बिपिन रावत की मौत पर गहरा दुख जताया। उनकी और उनकी साथियों की, उनके साथ उनकी पत्नी की, सबकी सदन में शोक मनाना जाएगी, जैसे कि हम मनाते हैं सदन के अंदर शोक मनाते हैं। तो सुनने के बाद मैं वापस घर लौटे, तहे दिल से कहता हूं कि इतने एक सज्जन ईमानदार इंसान मेरे साथ इतना रिश्ता बन गई थी और इतना अच्छा रिश्ता हमारा नसीब में थे, वो आज मुझे खोना पड़ा, ये बड़ी दुख की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस दुखद हादसे से ट्वीट किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उन्हां दी पत्नी अते 11 होर हथियारबंद बलों के जवानों के कनूर तमिलनाडु नेड़े एक बहुत ही मंदभागी अते दुखदाई हादसे में देहांत ते मेरी डूंगी संवेदना। मेरे विचार अते प्रार्थनावां परिवार नाल ने। हादसा तो बहुत खतरनाक था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो तो गया। और अभी अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे दशहरा में, उनके साथ में बैठ करके हम लोग ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिलकर किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका और लगातार बात होती रहती है, कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है, साहब ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना।
दुखद घटना बाद कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक भी हुई। बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एम जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। हैलीकॉप्टर क्रैश की घटना उत्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीरवार को संसद च बयान दे सकते हैं। इस तो पहला उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे बारे जानकारी दी सी। हवाई फौज ने कहा है कि हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं।